Hey everyone, welcome or welcome back to my channel। तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले पनीर लिया है और उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब कढ़ाई में ऑयल गरम करके उसमें हम इस पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को हल्का हल्का शैलो फ्राई करना है। सब्जी में पनीर अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो इसे फ्राई करने के बाद आप थोड़ी देर पानी में भिगोने के लिए छोड़ देना, इससे ये बहुत ही नरम हो जाता है। अब पनीर फ्राई कर लिया है। उसी कढ़ाई में डालनी है 4 हरी मिर्च, कुछ लहसुन, 2-3 अदरक के टुकड़े और ऑनियन। यहाँ मैंने छोटे 3 ऑनियन लिए हैं। अब इन ऑनियन को अच्छे से पका लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हो ऑनियन पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटोज। यहाँ पे मैंने 2 टोमेटोज यूज किए हैं। और साथ में नमक ऐड करके टोमेटो गलने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो ढक्कन रख के भी इसे पका सकते हो। टोमेटोस पक गए हैं। अब इस मसाले को हम मिक्सर में बारीक कर लेंगे। यहाँ पे हरे मटर को 3 से 4 मिनट के लिए हम पानी में उबाल लेंगे ताकि इसका कच्चापन कम हो जाए। अब कढ़ाई में ऑयल गरम करके उसमें डालेंगे हम तेज पत्ता और बनाए हुए मसाले की पेस्ट। अब इसमें डाली है तीखी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। अब इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़े। जब मसाला तेल छोड़ने लगे उसमें हम डालेंगे मटर और साथ में पानी भी ऐड करेंगे थोड़ा, ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। अब इसमें डाल देने हैं पनीर। पनीर को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और आपको सब्ज़ी कैसी चाहिए उस हिसाब से पानी डालना है। यहाँ पे पानी मैंने गरम यूज़ किया है, गरम पानी डालोगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। 10-15 मिनट बॉईल करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे पनीर मसाला। और पनीर की सब्जी बनके रेडी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। अल्सो इफ़ यू आर न्यू हेयर देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।